हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज देखिए हम लोग जा रहे हैं अपने एग्जाम देने और तैयार हो चुके हैं और रोड पे अपनी अपनी साइकिल लेके निकल रहे हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त प्रद्युम्न यादव जी हैं, जो मेरे साथ ही पढ़ते हैं और उनका भी एग्जाम है। देख सकते हैं अभी हम लोग 4 लेंथ हाईवे पे हैं। बाइक नहीं खाली थी आज, इसलिए साइकिल मिली है। तो कोई भी है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा सुबह सुबह व्यायाम भी हो जाएगा, धूप भी काफ़ी हो गई है। ब्लॉग में बने रहिएगा और आपको दिखाते हैं मेरा कॉलेज कहाँ से एंटर गया है और किस प्रकार से हम लोग पेपर देने हैं। हमारे पूरे दोस्त वहाँ पे आए होंगे। चलिए आपको दिखाते हैं, आप तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आप देख सकते हैं वहाँ पे जो लोग महिलाएं हैं कुछ कार्य कर रही हैं, वर्क कर रही हैं, नहीं कि उनका मनरेगा में जो ज्वाइन करती हैं गांव की जो महिलाएं, लेकिन आगे खुदाई कर रही किसी कोई, जैसे कि पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी काम करेंगी, वो भी तनख्वाह पाएंगी, यानी कि उन लोग का यही कहना है। देख सकते हैं ये रास्ता भी बहुत बिगड़ा हुआ है काफ़ी, मतलब इसको चौड़ा किया जा रहा है, साइड साइड पत्थर डाल के फिर पिचिंग किया जाएगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं। चलो, हम लोग को तो केवल 2 या 3 दिन जाना है। सड़क निर्माण कार्य हो रहा है, हम लोग आ गए हैं कहाँ पे बता रहे हैं, लोरी चट्टी कनरी तलवल जिला गाजीपुर। बीए का एग्जाम देने जा रहे हैं, साथ में प्रद्युम्न भैया जी वहाँ पे हैं। आज हम लोग 2 ही लोग हैं और कुछ मेरे दोस्तों का सेंटर दूसरे स्कूल पे गया है, तो वो लोग अलग स्कूल पे गए हैं। जानत बाबा आजकल के जितने मतलब कहाँ आगे नहीं जा, लोरी चट्टी इससे भी आगे जाना है। देख लीजिए यही है हम लोगों का सेंटर, यहाँ पे आए हैं हम लोग एग्जाम देने। काफ़ी दूरी पे है, 45 मिनट हो गए हम लोग को साइकिल चलाते चलाते, तब फाइनली आके यहाँ पे पहुँचे हैं। अब देखते हैं अंदर क्या है, लेट तो हो गए हैं लेकिन अभी 5 मिनट टाइम है, इससे पहले पहुँचे हैं। पानी भर गया था, रात की बारिश भर रही थी, तब फिर ये बहुत धीरे धीरे कुल फील्ड खाली है। चलो जा, पहले देखा है पेड़ पौधा संरचना बना हुआ, एकदम एकांत माहौल। यहाँ पे जो लोग पेपर देने हैं वो जाके विश्राम कर सकते हैं। हम लोग का पेपर खत्म हो गया, अब हम जा रहे हैं। चला प्रद्युम्न भैया, जय माँ काली होमियो हॉल, एक प्रकार से आश्रम है, यहाँ पे सभी लोग आके निवास करते हैं। देखिए पहले यहाँ के वातावरण को महसूस कीजिए, कितना शांत एकांत और आनंददायक है, पक्षियों का शोर और प्लस एकदम एकांत माहौल। सुबह आपको दिखाए थे पोखरा खना रहा था, देखिए वहाँ पे बगल में वो पूरा मनरेगा के ग्रुप के लोग कर रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे स्त्री पुरुष सभी लोग मिलके उसको काम करेंगे। एक दादाजी बैठे थे, उनसे हम पूछे हैं तो बता रहे थे कि उसमें उन लोग का प्रतिदिन का 213 रुपये शायद दिन का आता है, वो मिलता है हम लोगों को। तो देखिए इतना मेहनत की, ये लोग पोखरा खन रहे हैं, हम लोग ये बरगद का पेड़ इसी के नीचे आराम कर रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, चलने का मन नहीं कर रहा है। हम तो देखिए का कुछ ठीक है, लेकिन प्रद्युम्न एकदम मस्त हो गए वहाँ पे साइकिल। खाना वाना कुछ नहीं खाए वो, बस किसी को सोचा जा रहा है कोई आया ऐसा बंदा जो बोल दे कि चलिए भाई हमारे बाइक पे चलते हैं। देखिए बाइक न होने की सजा देखने की बात होती है, संघर्ष का जीवन सबका एक बार आता है, तो आज साइकिल है। आने वाले समय में बाइक का छोड़िए, फार्च्यूनर से चलेंगे, रेंज रोवर से चलने वाले हैं, लेकिन बस अपने अंदर कठिन परिश्रम और मेहनत रहेगा तब।
आज तो थोड़ा बहुत मेहनत हो जा रहा है साइकिल, सभी लोग का देखते नहीं, सभी लोग बाइक से जा रहे हैं या फोर व्हीलर से जा रहे हैं एग्जाम देने, तो गरीब घर के बच्चे हैं, संघर्ष करेंगे तो आगे निकलेंगे ही। अभी तो साइकिल है, आने वाले समय में फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर, जो चाहेंगे वो हो सकती है, लेकिन बस एक बात है, कड़ी मेहनत अपने अंदर होनी चाहिए। चलिए हम लोग की सवारी यही है, तो चलते हैं, निकलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा, शाम को कोचिंग भी जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चला प्रदुमन, चला जा प्रदुमन, आगे चला मरदमा, देखा थक गल मैडम। चला आगे, आने वाला दिन में फॉर्च्यूनर लेके चला, बस आप लोग इसी तरह साथ दिए दीजिएगा।